Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो अब तक जो लेसन हुआ है उसके अंदर हमने जो लास्ट डिस्कशन थी वो हमारी थी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर. आई होप सो कि आपको वो टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. और जब हमने लास्ट टाइम जब जूम मीटिंग की थी तो उस मीटिंग के दौरान भी जो है हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था और कुछ बच्चे थे जिनको डाउट थे, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि वो डाउट जो है उस टाइम क्लियर हो चुके हैं. तो बच्चों, आज जो हम उससे आगे ही हम करेंगे कि जो इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से जो है ना वो बढ़ती जा रही है और उसको जो है ना कैसे जो हम दूसरे सेक्टर के अंदर जो है ना वो मूव कर सकते हैं कि जो मैन पावर है उस मैन पावर को जो है ना हम सही डायरेक्शन से जो है उस पावर को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आज जो हम उसी के ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे. मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर. द वुल्फ फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन थो नॉट एवरीबॉडी इज रियली नीडेड. सो देयर इज डिस्क्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है अपना, उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो उनको मिला हुआ होता है और वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर जो है वो फील्ड के अंदर जो है काम करता है. बट हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है ना जो फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है रियलिटी के अंदर जो है उनकी वहाँ पर इतनी नीड नहीं होती. इसीलिए जो ना वहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो पावर जो लगी हुई है या एक्स्ट्रा जो लेबर लगी हुई है उसको जो है हम क्या बोलेंगे, डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है ना वो ऐसी जो है ना वो देखी जाती है, इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखी जाती है. बट ऑल द फैमिली आल्सो हैव ए शेयर इन व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस. दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस राइज्ड रिड्यूस्ड द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर. देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि वो जो फैमिली के जो मेम्बर है ना वो वहाँ पर जो है ना उस फील्ड के अंदर काम करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी जो पावर को जो वर्क को जो वो शेयरिंग करते हैं और इससे जो है ना वो अपने प्रोडक्शन को जो वो प्रोड्यूस्ड करते हैं. वो कहता है कि जो रूरल सेक्टर है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाता है तो वो तब पता चलता है जब कोई प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है या राइज्ड हो रहा है. बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली. ये कहता है कि वो इतना काम करने के बावजूद भी जो है ना उनकी फैमिली जो है ना वो अपनी जो पॉवर्टी है उसको जो रिड्यूज नहीं कर पाती. ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब. उसके बाद कहता है कि जो सरप्लस जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेबर है हर घर के अंदर जो ना ऐसे मिल जाएंगे तो वो क्या करते हैं कि वो अपने गांव को छोड़ देते हैं. किसके लिए? जॉब को ढूंढने के लिए. मोस्टली जो ना इस तरह के जो फैमिलीज के जो मेम्बर है वो आसपास के जो सिटीज़ है उनके अंदर जो ना वो एज ए लेबर जो है वो ट्रांसपोर्ट वहाँ से माइग्रेट जो वो कर जाते हैं. लेट्स एस डिस्क्यूज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द थ्री सेक्टर मेंटेन अर्लियर. एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. तो कहता है कि अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टेरिटरी सेक्टर है, तो इसके अंदर जो है ना जो सबसे ज़्यादा जो लेबर या एम्प्लॉयमेंट या हम कहेंगे कि जो वर्कर है वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो लगी हुई हैं. क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो काम जो है वो हाथों से किया जाता है और जो फैमिली जो मेंबर है वो मोस्टली जो है ना उसी फील्ड के अंदर जो है वो काम करते हैं. तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो एंगेज्ड जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगी हुई है. इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द डिपेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्क्यूज एम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर.
तो हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो है ना, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो पॉपुलेशन लगी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो डिस्क्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो वो आते हैं। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू इधर द सेकेंडरी और टेरेटरी सेक्टर। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो सरप्लस जो लेबर है, जिनकी जो ना उस सेक्टर के अंदर कोई नीड नहीं है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन उनके होने से या ना होने से प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह के जो सरप्लस जो लेबर है वो मूव हो रही है कब कहाँ। तो बच्चों इस तरह से क्या है कि जो अपनी जो लेबर है वो जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर सरप्लस हो चुकी है, अब क्या मूव कर रही है, वो मूव कर रही है सेकेंडरी सेक्टर और टेरेटरी सेक्टर, क्योंकि वहाँ जो है उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उससे जो है उनकी इनकम भी बढ़ रही है। द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग इन केस ऑफ द टेरेटरी सेक्टर, वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपेयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो बच्चों इसके बाद कहता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो नो डाउट कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो लेबर जो है वो कंज्यूम हो चुकी है, और जबकि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सेकेंड मोस्ट जो है लेबर ऑब्जॉर्विंग का जो है सेक्टर बन चुका है। यहाँ पर जो है हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर जो है ना एक बिग साइज़ की जो इंडस्ट्रीज है उसमें इंक्लूड हो जाती है, और यहाँ पर भी जो है लेबर की काफ़ी नीड रहती है। उसके बाद कहते हैं कि जो टेरेटरी सेक्टर है वो अब तक जो है ना सबसे न्यू जो सेक्टर माना गया है, और इस सेक्टर के अंदर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दूसरी जो अदर्स टेक्नोलॉजी है या अदर सर्विसेज है, फॉर लाइक ट्रांसपोर्टेशन है या बैंकिंग है, तो वो जो है ना हमारी टेरिटरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती है। लेट अस रीड ए स्टोरी टू नाउ हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए विलेज। तो बच्चों अब जो है ना हम एक स्टोरी के बारे में जानेंगे। एक स्टोरी है, एक विलेज की स्टोरी है, वहाँ हम देखेंगे किस तरह से जो है ना उस सेक्टर के अंदर, उस विलेज के अंदर जो ना कैसे जॉब जो है वो क्रिएट की जाती है, और कैसे जो उनको एजुकेशन जो है मिलती है, और एजुकेशन मिलने के बाद जो है कैसे एम्प्लॉयमेंट की जो है वो नीड रहती है, कैसे एम्प्लॉयमेंट के जो नए नए सेक्टर जो ना एम्प्लॉयज़ के लिए खुल जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। देर वाज ए विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज, ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेम्बर्स, ईच फैमिली मीट इट्स नीड बाय द मेम्बरिंग मेकिंग देयर ओवन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर नाउ चिल्ड्रन। ऑन ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन्स टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज, द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, आफ्टर सम टाइम ही बिकम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड कम बैक टू द विलेज, ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिजाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ फ्लफ विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ वीट। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि एक विलेज की स्टोरी है यहाँ पर, यहाँ पर जो उस विलेज के जो मेम्बर है वो एग्रीकल्चर करते हैं, बट एक फैमिली के अंदर जो ना उन्होंने देखा कि अपने एक बच्चे को जो उन्होंने क्या किया कि आगे पढ़ाया, और उसका एडमिशन जो है ना वो एग्रीकल्चर जो कॉलेज उसमें करवाया, और उसका एडमिशन भी जो ना जो पास का ही कॉलेज है एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ उसका एडमिशन हो जाता है। वो अपने एजुकेशन पूरी करने के बाद जो है ना वो अपने रिटर्न जो है ना अपने स्कूल के अपने विलेज के अंदर जो वो आ जाता है, और वहाँ पर आकर जो क्या करता है कि अपनी जो एजुकेशन वेस्ट के ऊपर जो है ना वो ऐसे डिज़ाइन और ऐसे जो टेक्निक करता है यूज़ करता है, जिससे जो जुताई यानी ब्लफिंग जो होती है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होता है, और उससे क्या होता है कि जो उनके पास जो वीट के एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें जो है उनकी प्रोडक्शन के अंदर जो इंक्रीज होती है। सच ए न्यू जॉब ऑफ एग्रीकल्चर वाज क्रिएटेड एंड फील्ड इन द विलेज, द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन ए नियर बाई नेबरिंग विलेज, दे अर्न गुड प्रॉफिट विच दे शेयर्ड अमंग हिमसेल्फ, इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड ए मीटिंग इन द विलेज। उसे कहता है कि जो सरप्लस के अंदर जो वीट प्रोडक्शन हुआ है उससे क्या हुआ कि उन्होंने आस जो पास के जो विलेज है वहाँ पर जाकर उसको बेचा, यानी उसके मार्केट के अंदर बेचा उसको, तो मार्केट से बेचा तो उनसे क्या हुआ कि उसके अर्निंग यानी कि उनकी जो इनकम हुई, उन्होंने पैसे कमाए, और फिर जो है ना उन्होंने जो है
उसके प्रॉफिट के बारे में जाना, और कुछ टाइम बाद जो ना इससे सक्सेसफुल होने के बाद, एग्रीकल्चर के अंदर सक्सेसफुल होने के बाद जो उन्होंने गांव के अंदर एक मीटिंग रखी, दे आर वांटेड टू हैव ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू। तो कहता है कि वो सभी चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो भविष्य है वो काफ़ी अच्छा हो। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज, और सभी मिलकर जो है ना उन्होंने पंचायत के अंदर रिक्वेस्ट की कि गांव के अंदर जो है ना एक स्कूल जो है वो ओपन करना होगा, हमें करना चाहिए। दे अश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन ए स्कूल। ए टीचर वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम ए नियर बाई टाउन। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जैसे ही पंचायत के साथ मिलकर उन्होंने स्कूल को ओपन किया, पंचायत और गवर्नमेंट ने मिलकर जब स्कूल को ओपन किया और सभी बच्चे स्कूल में जाने लगे, तो स्कूल में जब जाने लगे तो उनको वहाँ टीचर की जो रिक्वायरमेंट हुई, तो टीचर की जब रिक्वायरमेंट हुई तो पास के टाउन से जो है ना उन्होंने टीचर जो है ना वो उनके लिए जो है ना प्रोवाइड करवाया। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। तो उसके बाद कहता है कि जो ना वो लोग सभी बच्चे जो स्कूल में जाने लगे, और कुछ एक फैमिली ऐसी थी जिन्होंने एक अपनी बेटी को जो ना उन्हें टेलरिंग की जो ट्रेनिंग दिलाई। शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज फॉर एवरी वन नाउ वांटेड टू बाय एंड वेयर वेल टेलर्ड क्लॉथ्स। तो कुछ ही समय बाद जो ना वह लड़की जो ना अपने ही विलेज के अंदर जो ना जो फैमिलीज हैं उनके कपड़े जो सिलने लगी, तो सभी लोग जो है ना गांव के जो थे वो वहीं से जो है ना अपने जो क्लोथ है उनको सिलाते थे। थस अनदर न्यू जॉब दैट ऑफ ए टेलर वाज क्रिएटेड। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर गोइंग क्लोथ्स वाज सेव्ड एज द फार्मर्स स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड। तो कहता है कि जो ना इससे एक तो नई जॉब क्रिएट हो गई, उसके बाद जो फार्मर्स थे उनको भी जो ना उनका भी जो टाइम जो है वो बचा, और उससे क्या हुआ कि वो अपना टाइम ज़्यादातर जो ना वो एग्रीकल्चर के अंदर देने लगे। तो उससे क्या हुआ, उससे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। एज द फार्मर्स स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड द यील्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्री। द फार्मर्स हैड मोर देन दे कुड कंज्यूम। Now they could sell what the produce of the other how come to their village market. Our time this village which formerly had no job opportunity in the beginning had many like teacher, tailor, agriculture, agro engineer and many more. This was the story of simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economy activities. तो बच्चों यहाँ पर जो है ना यहाँ ये कह रहा है कि जैसे कि हमने देखा कि पहले जो विलेज के अंदर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई जॉब भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही जो है उन्होंने एजुकेशन के अंदर जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका बेनिफिट मिला कि नई जॉब जो है वो क्रिएट होने लगी। जैसे टेलरिंग है या एग्रो इंजीनियर है, टीचर्स है, तो इस तरह की जो है नई जॉब जो वहाँ पर क्रिएट हुई, तो इसका बेनिफिट जो है उनको मिला। तो जब ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसका बेनिफिट जो ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही हमें मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो ना यही बात जो क्लियर की जाती है कि ह्यूमन जो रिसोर्स है उसके ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इनपुट का जो है आउटपुट जो बेटर निकलेगा। अगर हमने उसके हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर जो है हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे जो ना जो है एक इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर जो बेटर अपॉर्चुनिटीज जो देखने को मिल सकती है अगर हमने ह्यूमन या पीपल रिसोर्स के ऊपर अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका बेटर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इस लेसन के अंदर जो ना यही जो स्टोरीज जो है वो बताई गई थी कि किस तरह से जो अगर हम जो है ना ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका जो बेटर जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।